देखिए यहाँ पे हमें अकाउंटिंग इन बिजनेस, एक अकाउंटिंग साइकिल, इंफॉर्मेशन रिसीवेबल्स, ये डेटर्स की बात कर रहा है, ये कंपनी की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये फिर शेयर होल्डर इक्विटी की बात कर रहा है, कैपिटल की बात कर रहा है, यहाँ लाइबिलिटीज, यहाँ कैश फ्लो बिल्कुल स्टेटमेंट, और यहाँ पे मेरे ख्याल में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देखेगा। तो ये आपने पूरा एक दफा देख लिया कि ये हमारा क्या है, बुक के कंटेंट है। अब हम जाते हैं अपने कुछ पेपर्स देखते हैं चार पांच, और क्या हम देखते हैं कि क्या वो इनमें से उठा रहा है या नहीं उठा रहा। मैंने इसको बड़ा ना तफसीली इस बुक को बुक का जायजा लिया, और जब मैंने इसको देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यार बुक कुछ और लिखी हुई है, पेपर कुछ और आता है। सही है। वो मैं कैसे आपको अभी बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 14-13 का पिछले साल 2019 का पेपर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको मेरे ख्याल में ये बिल्कुल 17-18 भी कहते हैं। Isn't it? ठीक है, अब आप इसका पेपर को जरा देखो और अंदाजा लगाओ कि ये क्वेश्चन इसने कहाँ कहाँ से उठाए हैं। देखो, ये इसने क्वेश्चन उठाया हुआ है, व्हाट डज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन असिस्ट मैनेजमेंट। ये प्योर क्वेश्चन अगर आप जाओ ना, ये देखो दूसरे चैप्टर में से उठाया हुआ है, ठीक है। ना तीसरे ये चैप्टर में से, ये अकाउंटिंग देखिए ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो कहता है कि किस तरह हेल्प करती है मैनेजमेंट को, ये इसने पहले चैप्टर में से उठाया हुआ है, ठीक हो गया। अब आप दूसरे में आए तो वाह हमें रिसीट्स और पेमेंट्स दे रहे हैं, और हमें कह रहा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये कहाँ से आ रहा है। ये वाला चैप्टर नंबर 8 में से आ रहा है, ये देखें कैश फ्लो, ये भी क्या आया हुआ है, कैश कैश फ्लो, फ्लो बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब है कि पहले चैप्टर में से भी क्वेश्चन उठाया है, तीसरे से भी उठाया है, और 8वें से भी उठाया है, ठीक है। अब देखो, हमने टारगेटेड पढ़ना है, हमने ऐसे अंधाधुंध एक एक पेज को नहीं पढ़ना कि हम एक एक पेज को लेके बैठ गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखोगे ना, रिकॉर्ड द कंपनी अनकलेक्टेड अकाउंट एक्सपेंसेस इज्यूमिंग 1800 क्रेडिट बैलेंस फॉर डाउटफुल डेट्स प्रियर। अब ये बात हो रही है रिसीवेबल्स की, ये आप देखें रिसीवेबल्स, ठीक हो गया। अब अगर हम रिसीवेबल्स में जाएंगे तो ये सही चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 हो गया, ठीक हो गया। अब एक न्यूमेरिकल कहाँ से आया, 4 में से, एक 8 में से आया, ठीक है। तो हमें इसको इसी तरीके से, अच्छे ठीक तरीके से देखना है, और कोई बात नहीं, हम कल शुरू कर लेंगे। लेकिन यार सबसे अहम चीज क्या होती है, सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी। मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता दूं ना तो आप खुद बैठ के कर लोगे, है। लेकिन जब तक पता ही नहीं होगा करोगे क्या यार। अच्छा, ये हमें हाँ कहता है बिल्कुल मेमफोर्ड लिमिटेड इन्वेस्टेड इतने इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट सोल्ड सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर इतने 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 पास जर्नल एंट्रीज। अब ये कहाँ जा रहा है वो, देखो जब भी सिक्योरिटीज की बात होगी ना, वो शेयर्स की बात हो रही होती है, किन की बात हो रही होती है, शेयर्स। तो अब ये वाला कहाँ से आ रहा है, इस शेयर्स में से उठा रहा है, ठीक है, यूनिट 5 में से सही उठा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, ये प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इससे वो कहता है बैलेंस शीट बनाएं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 में जा रहा है, और लास्ट में हमें वो कह रहा है सर लाइफो फाइफो एंड एवरेज। लाइफो फाइफो एंड एवरेज बेसिकली जो होता है ना, वो स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं। और मैं आपको वैसे एक चीज बताऊं, वो प्रॉब्लम कहाँ से उठा रहा जी है, वो प्रॉब्लम आपके जी जितने भी उठा रहा है ना, 4 ये 5 6 7 ठीक एट और 9, 7 को भी है नहीं छेड़ रहा, नाइन 7 को भी नहीं छेड़ रहा, सही ठीक है। अच्छा, अब हम किसी और को जाके देखते हैं, कोई और पेपर देखते हैं, एक और देख लेते हैं, हमें अभी अंदाजा हो जाएगा।
बिल्कुल ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वही पहले चैप्टर में से क्वेश्चन थ्योरी का उठा रहा है, फिर वो कहाँ जा रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। बेतुका सा सवाल है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, प्रिपेयर द कैश बुक एंड पासबुक। देखें ये बेसिकली कैश बुक का सवाल है और ये इस बुक में नहीं दिया हुआ ओपनली, ओपनली इस बुक में नहीं दिया हुआ। दो चीजें जो मुझे डिफरेंट नजर आई हैं जो इस बुक में नहीं दी गई, एक ये वाला क्वेश्चन जो है ये इस बुक में नहीं दिया गया मैंने देखा है, जिसको हम कहते हैं लाइफो फाइफो वाला आया है, और एक कैश बुक वाला। तो ये आपने नोट डाउन कर लेने अपने पास। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको सारी आ जाएगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जी, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही सही है, हो गया, तो वो आपने फिलहाल ठीक है। लिखने की और उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरा आपने क्या करना है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मार्केट, ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल में से जाके उसने क्वेश्चन उठाया है। इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल में से वो लाजमी क्वेश्चन उठाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला मैंने आपको बताया है, ये इश्यूएंस ऑफ स्टॉक, ठीक है, इश्यूएंस ऑफ स्टॉक, यहाँ से जाके क्वेश्चन उठा रहा है। मेजर डिफरेंस सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और कंपनी, यार ये कई दफा आप पढ़ चुके हो जब आपने इनको स्टडी किया है, इसको क्या कहते हैं, जब आपने ओनर आई आई इक्विटी टू बी, हाँ आई टू बी पढ़ा या कोई भी पढ़ा सब्जेक्ट जो बिजनेस रेलेवेंट है, तो वो डिफरेंस लाजमी हमें करवाता है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल ये पर। ये 5 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद तो यार फिर वही क्लिक कर दिया। अच्छा इसमें है ही एक ही क्वेश्चन उसने दिया, वह दूसरा दिखाया वही नहीं। अच्छा जी 2017 पे चलते हैं। फिर वही दिखाया हुआ है, चमन 18 है ही नहीं। तो ये वो पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज समथिंग डिस्क्राइब, पहले चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। ये उसने क्या उठाया है जी, प्रिपेयर करेक्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमसे बनवा रहा है, ठीक हो गया। पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंड लेजर, कैसा यार ऐसे अजीब आदमी है यार, यानी ये पर मुझे पेपर तो बस जी नहीं, ये बुक इसने, पास आप फिक्र ना करो मैं आपके साथ ये सारी करवाऊंगा, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ कि इसने, अल्लाह के बंदे ने कोई टॉपिक नहीं ना छोड़ा जो ना कवर किया हो, ठीक है। अच्छा ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमसे बनवा रहा है, इसका मतलब है कि यार फाइनल अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आनी बहुत जरूरी है। ये लाइफो फाइफो से एक क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। उसके ये अलावा तो मस्त पार्टनरशिप है। लाइफ पहले भी आया है, अभी भी आया है, ठीक है। उसके अलावा चैंपियन, ये उसने उठाया हुआ है कहाँ 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 से, ये शेयर से उठाया हुआ है, दो की जगह एक शेयर, जिसके पास दो शेयर है उसको एक एक्स्ट्रा मिल रहा है 100 यार। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, अब इस सिलेबस में बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ही नहीं, नहीं, है बिल्कुल नहीं, है। आप देखो इसने बिल्कुल बैंक नहीं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट उठाई भी। अब मुझे बताओ यार, जो बच्चा जिसने यार, अब जिसको किसी ने ये नहीं बताया, बताओ यार वो कैसे चलेगा। वो तो नहीं जा सकता, जिसने आईकॉम में ये किया हुआ है उसके लिए तो थोड़ी सी आसानी हो सकती है, या पार्ट वन में जिसने किया हाँ है। जिसने कुछ पढ़ा हुआ है, बिल्कुल चलो शुरू करते हैं फिर, हैं। अच्छा इसमें ना थोड़ी मुझे आपकी हेल्प ऐसे चाहिए कि आपने ना ये जो लेसन्स है ना शुरू वाले, इनको उड़ा के रखना जी है, यानी इन इनमें जो चीजें हैं ना, इन इनमें जी आपने जी चीजों को थोड़ा तेजी के साथ चलाना है और इनको खत्म करना है, ठीक सही है। जो थियोरेटिकल चीजें हैं ना, अब आपने दो तीन चीजें जी नोट कर लेनी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, लाइफो ठीक फाइफो, है।
इनकम स्टेटमेंट, फाइव फोर हाँ इनकम स्टेटमेंट और कैश ठीक है बुक, सही और कैश बुक, कैश बुक है। ये जो है ये इसमें से ना इसमें दी भी कोई नहीं है, इस सिलेबस में कोई नहीं दी। तो हम ऐसा करते हैं अपना चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको ना ऐसे ही ले दे के इस पे नहीं बैठा रहूंगा, ठीक है। मुझे चूंकि यू नो हमारे पास सिलेबस सॉरी टाइम का